हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भार्गव एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ स्वाति और आपका स्वागत करती हूँ मनाली में। हम लोग पहुँच चुके हैं मनाली और ये देखिए हमारे होटल से नज़ारे, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और बस सब लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। जिस होटल में रुके हैं इसका फुल टूर मैं व्लॉग के एंड में दे दूंगी, रेट्स वगैरह सब कुछ, और इसके आगे क्या क्या करते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ व्लॉग में। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, हम कहाँ जा रहे हैं सब कुछ डिटेल्स देती रहूंगी, क्योंकि ये तो भाई वेकेशन का सीजन है तो सबका मनाली और शिमला घूमना तो बनता ही है। तो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। आ चुकी है हमारी कार इनोवा और सब लोग बस बैठ गए हैं और फटाफट से निकलते हैं। भैया कहाँ के लिए निकल रहे हैं हम? कहाँ के लिए निकल रहे हैं हम? हम निकल रहे हैं कोकसर के लिए। कोकसर के लिए, ओके कोकसर। तो चलो भाई मिलते हैं कोकसर में। मैं पीछे जाऊँ क्या? और अब हम निकल चुके हैं होटल से और ये है हमारे रास्ते का व्यू। देखिए ऊपर कितनी अच्छी बर्फ जमी हुई है, औसम नज़ारे हैं ऊपर जाके, तो पता नहीं क्या होगा। मनाली की खूबसूरती, जहाँ तक चलो नदियाँ साथ साथ चलती हैं, इतना प्यारा व्यू है। अशुदिक सच में कितना प्यारा रहा है फोन में भी, है ना? बर्फ बहुत है। हाँ बर्फ है यहाँ पे। हम कोक सागर जाते हुए हमने अभी ना नारियल खरीदे थे, यहाँ पे बहुत लोग नारियल बेचने रहे थे कच्चे, तो हम वो खा रहे थे। आरू को मैंने एक टुकड़ा पकड़ा दिया, खाता तो नहीं है बट उसको टीथिंग हो रही है ना तो चूसता रहता है, और देखो लेके हाथ में सो गया, ये रहा हाथ में नारियल। और खाते का मतलब मुंह में दबाते दबाते और सो गया, उसको नींद आ गई। कार रुकी है क्या कहते हैं बर्फ में जाने के लिए, कपड़े लेने के लिए। और ये देखो यार क्या व्यू है, मैं क्या बताऊं, ये फोन में जितना सुंदर दिख रहा है उतना ही सुंदर मतलब यहाँ पर भी है। मैं क्या बताऊँ, वर्ड्स नहीं है इस नज़ारे की तारीफ करने के लिए मेरे पास। और बस, और देखो सामने वो बर्फ। और अब हम आ गए हैं शॉप पर कपड़े लेने के लिए। चलिए आपको दिखाती हूँ, रेट्स वगैरह सब कुछ बताती हूँ। ये है शॉप नंबर 184 और यहाँ मिल रहे हैं कपड़े। इसलिए है शॉप नंबर 184 से इसका रेंट है, एक ड्रेस विद शूज़ है, मतलब वन ड्रेस विद शूज़ प्रॉपर 250 रुपीज़ रेंट है इनका, मतलब एक बंदे का पूरा 250 रुपीज़ है। हम लोगों ने ले लिया है, सबके रखे हुए हैं। पीहू ने पहन लिया, पीहू शोमी बेटा, पीहू पहन चुकी है बेटा, हो गई सबकी ड्रेस फाइनल। तो गाइज अब हम लोग आ गए हैं इंडिया और एशिया की लॉन्गेस्ट टनल अटल टनल के पास, बस अब एंट्री करने ही वाले हैं। पीछे का व्यू देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या ही बोलें इस नज़ारे के बारे में, जितनी तारीफ की जाए उतने कम है। ऐसा सामने से इतना सुंदर दिख रहा था, मैं आपको क्या बताऊं। तो बस चलिए अंदर एंटर करते हैं अटल टनल के अंदर और इन्जॉय करते हैं इस खूबसूरत व्यू को, बने रहिएगा मेरे साथ आगे। तो गाइज अब हम लोग आ गए अटल टनल से बाहर, और बाहर निकलते ही देखिए सामने पहाड़ों के ऊपर क्या बर्फ जमी हुई है और क्या नज़ारे हैं भाई। यहाँ के नज़ारे तो क्या ही कह रहे हैं, एक बार तो ज़रूर जाइए और इन नज़ारों का लुफ्त उठाइए, क्या ही बोलूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं इन खूबसूरतियों की, मतलब शब्दों में क्या तारीफ़ की जाए। बहुत प्यारा माहौल, इतनी ठंडी ठंडी हवाएँ, मतलब कुछ नहीं कल्पना की जा सकती इस नज़ारे की, मतलब आप जाइए एक बार एक्सपीरियंस कीजिए ज़रूर ज़रूर। तो बस चलिए और आगे चलते हैं और दिखाते हैं हम क्या क्या करते हैं। वीडियो ये इससे मत बना वीडियो भाई, वीडियो कॉल कर लूं। हम लोग पहुंच गए हैं कोकसर और अब बस सब अपना ड्रेसअप हो हवा के, भैया ने हमें कैब से उतार दिया, पार्किंग में लगा दी अपनी कैब, और अब हमें पैदल जाना है
इस पॉइंट से उधर घूमकर और वहां पर सबसे मुश्किल टास्क यही है एक्चुअली, बच्चे का साथ है ना और सब लोग वो चल रहे हैं। हमारा फुल स्टाइल में डुग्गा स्पाइडरमैन बन गया है और ये हमारी पीहू, यस चलो ठंडा यार। हाँ ठंडा तो है, सामने बह रही है नदी, बड़े वाले पहले जा और पीहू बना रही है स्नोमैन, ये वाह, और डुगू उधर से मार रहा है बर्फ और यहाँ लोग कर रहे हैं स्लाइडिंग। ये ले और डुगू पापा आरू को लेके बैठे हुए हैं क्योंकि वो उठने नहीं दे रहा, रो रहा है वो। और यहाँ भाभी भैया सब लोग कर रहे हैं मस्ती। ये है व्यू मनाली का, थोड़ी बहुत बर्फ मिल रही है, बहुत ज्यादा बर्फ नहीं है बट ड्रेस वगैरह बहुत जरूरी है क्योंकि बर्फ उठाने में ठंडा लग रहा है बहुत ज्यादा ना। और मैं आपको दिखाती हूँ बर्फ, सबने जूतों से चल चल के कैसी कर दी है बर्फ, देखो ऐसी है स्नो, फिलहाल ये हाल है स्नो का। और सामने नदी बह रही है यार, व्यू तो बहुत प्यारा है और ये देखो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, वाह है ना। एंजॉय कर रहे हैं, भेल भेल भी मिल रही है यहाँ पर, भेल का पत्ता और चने चाट भी मिल जाएगी 50 रुपीज का था ये पत्ता, जैसे किसी को भूख लगे तो खा लो बच्चों। और अब हम चल रहे हैं वापस यहाँ से एक लास्ट बार, ये है बर्फ के टुकड़े, ऐसे ऐसे टुकड़े हर जगह हैं, वहाँ लोग जो एक्टिविटीज करने के लिए बुकिंग करा के आए हैं अपनी वो उधर है सारे के सारे, बाकी सब यहाँ बर्फ एंजॉय कर रहे हैं। और ऊपर जाना चाहें तो मतलब बर्फ इतनी है, कोई ज्यादा बर्फ नहीं है इस टाइम। लोग यहाँ से वापस थक गए बहुत, बच्चों के साथ ना बहुत थकान हो जाती है। एंजॉय किया भाभी? यस ये बहुत मजा आया और सबने हीरो बन बन के फोटोज भी खिंचानी है बहुत सारी, मेरी कम होंगी क्योंकि मेरा बच्चा तो मुझे परेशान करने के ना छोड़ता ही नहीं है कुछ नहीं। कोकसर से निकल के सिसु के लिए निकले थे और हम सिसु पहुंचने वाले हैं, बस ये देखो क्या व्यू है। शिशु में एक लेक फेमस है मेनली, पहुंच गए हैं शिशु, आरू को लग रही है भूख तो मैंने कहा प्लेन मैगी बनवा दो क्योंकि बहुत देर से रो रहा है भूख की वजह से, तो उसे थोड़ी सी मैगी खिलवा दूं, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको यहाँ का लेक जिसके लिए ये फेमस है। और नज़ारे आप चारों तरफ देख ही सकते हैं कैसे हैं। हम लोगों का लंच का टाइम हो गया था तो यहाँ पर सारे खाने की स्टॉल्स लगे हुए हैं, पूरे अभी मंगाओ एक देखते हैं, अभी दोनों शेयर करेंगे। और हमने ऑर्डर किया यहाँ से, रेट्स भी ठीक है यहाँ के, हम राजमा चावल ऑर्डर किया हमने, क्या 150 की प्लेट है ना, 150 ओके। और मैगी के क्या कॉस्ट है? मैगी 80 रुपए की वेजिटेबल वाली, ठीक है। तो बस अब हम लोग यहाँ लंच करने बैठे हुए हैं, अब लंच करेंगे इसके बाद यहाँ का लेक एंजॉय करेंगे व्यूज। यस थैंक यू, राजमा चावल और बहुत ही टेस्टी है, मतलब रेट्स के हिसाब से बहुत अच्छी क्वांटिटी और टेस्ट भी बहुत अच्छा है राजमा चावल का, है ना भैया? राजमा चावल बहुत टेस्टी है ना। मैगी कैसी है भैया? मैगी भी ठीक है, अच्छी है ना। अब आपको मैं सुबह करने आ गए हैं जिप लाइन, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, मैं भी करूंगी दिखाऊंगी आपको। भैया क्या कॉस्ट है जिप लाइन की? जिप लाइन एक्टिविटी और सब घूम जा रहे हैं, ये तो बहुत गहरा है, मैं भी सोच रही थी पहले करने को बट अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही यार, बहुत ज्यादा डिस्टेंस बहुत ज्यादा ही जा रहे हैं बच्चे। यहाँ पर ये बाइक्स क्या कहते हैं ना मुझे नहीं पता, ये भी अवेलेबल है रेंट पर, पूछती हूँ मैं इनसे कहाँ क्या रेट से इनका कितना घुमाते हैं। और ये पीछे ही सिसु लेक है, ये जी 700 रुपए शॉर्ट राइड का। कहाँ पर, कहाँ तक ले जाते हो आप राइड पे? ये पर बिजली का जो खंबा है, कौन सा वाला? ये पर ये जो ये सामने है,
यहाँ तक लेके जाओगे 700। बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ कम नहीं होगा? 600 लग जाएगा। वो सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे नहीं याद आ गया, आ गए हम लोग होटल। हमारे होटल का नाम है हिमाचल इन। और बस दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का रूम सब कुछ, और बताती हूँ होटल के चार्जेस भी। ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया, और हमारा रूम है 5403। चलो चलो भाभी पहुँचो। ये है हमारा रूम। वॉशरूम की लाइट जला दो जरा एक बार। ये है यहाँ का वॉशरूम, और ये है रूम। यहाँ रखा है छोटा सा फ्रिज, वहाँ अलमीरा, ये टेबल, ड्रेसिंग टेबल समझ लो इसको। ये है हमारा बेड डुग, और यहाँ पे दो चेयर टेबल। हमने एक्स्ट्रा बेड लगवाया था, मतलब गद्दा, तो उसके लिए साइड में रखा हुआ है। और ये है रूम के सामने से व्यू, जो कि बिल्कुल पैसा वसूल है भाई। इससे ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए। बहुत ही सुंदर है रूम तो हमारा, हमें बहुत पसंद आया। और कॉस्ट है ईच रूम 3000 का। खाना भी बहुत रिजनेबल है और अच्छा है बहुत खाना। और रूम्स भी स्पेशियस हैं, बड़े हैं थोड़े रूम्स बस। और हमारा एक्सपीरियंस इस होटल का बहुत अच्छा है। कोई विजिट करना चाहे तो मैं नंबर और यहाँ का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बस आज बहुत थक चुके हैं, और अब इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और ब्लॉग को पूरा देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। बाय बाय। तो मैं आ गई वापस, क्योंकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रह गई थी। एक्चुअली जब हम लोग गए थे, हम पहुँचे थे मनाली 16 मई को, तो उस टाइम पे रोहतांग नहीं खुला था। बट हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि 10 से 12 दिन के अंदर रोहतांग खुलने वाला है, तो वहाँ अच्छी बर्फ़ मिल सकती है। और मनाली सच में एक बहुत खूबसूरत जगह है, और रोहतांग खुल जाएगा तो सच में बहुत अच्छी बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो आप लोग सब विज़िट ज़रूर कीजिए, सच में बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलिए बाय बाय।